अस्सलामु अलैकुम, आई एम इरियाज अहमदवार, मैथमेटिक्स टीचर। दिस टाइम क्लास 10th, एक्सरसाइज नंबर 4.2, मैथमेटिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. Question 3 is good. The cottage industry in Eklakut Karthan Asha, Garilo Karthan, Tipshu Banavan, Tiadad Toy Man. The cost of production of each toy, Ekis Tamashas Kota Chulagan, सुशी इक्वेंट वाज फाउंड सो इतने क्वेश्चन 55 करो माइनस 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड 55 करो माइनस कैसे टॉय आई बनाना तो दूर चला गया एक इस टॉयस बनाना एक इस खास दोस क्या शिक्षा संकल्प द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज द टोटल ये जन पांच सौ लोग बनाना ये मां तमाशन सर्वोच्च रुपये 750 तो ऐसे which one like to find out the number of toys produced on that day then the kids tamasha hai banana the is karan itas we can simply let the number of toys produced in a particular day let chalo time the ucho kids toy ai banana let the number of toys produced In a particular day, is equal to x. चलो सको x इस खास दोस्त यानी यम दोस्त चिकार चला तम दोस्त आए बनाओ ना कॉटन. Therefore, the cost of production of each toy. Therefore, the cost of production. Of each toy on that day that day go then do kya ase tele ek is tamashas kam cost of production yani banavnas ko ta log ta tha so go 55 minus x 55 minus x shabash teli kya shida pa daba agar ye number of toys the cost I'm multiply karo so shi mera 750 cost of production the so shi mera 750 therefore by the question क्या ये एक्स मल्टीपल 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाँ कितना निकलता है 750 ये रुपीज़ में है 750 रुपीज़ एक्स मल्टीपल दिस हो गया 55 एक्स माइनस एक्स 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 स्क्वायर इज इक्वल टू 750 एक्स स्क्वायर को पहले लाते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स ये 75 को इधर लाते हैं माइनस 750 इज इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स को प्लस बनाते हैं यानी इस जो साइन चेंज करते हैं जो प्लस होता है वो माइनस का बनेगा और माइनस वाला प्लस बनेगा क्या मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 55 ये प्लस है ये माइनस बनेगा क्योंकि यहाँ प्लस था पहले ये आया और प्लस ही है यहाँ तो यहाँ माइनस बनेगा ये माइनस वाला प्लस बन गया प्लस वाला माइनस बन गया और ये माइनस वाला प्लस बनेगा प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो एक्चुअली क्या होता है ये साइन कैसे चेंज हो जाती है हम ऐसे लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स एक्स माइनस 750 इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाई माइनस वन क्या होगा फिर माइनस वन इंटू माइनस एक्स स्क्वायर
plus 55 x minus 750 is equal to 0 is equal to, इसको भी माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो, माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो, हाँ तो क्या बनेगा, यहाँ आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स हो गया, माइनस प्लस हो गया माइनस 55 एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस 750 तो इसी इक्वल टू माइनस जीरो हो गया, माइनस जीरो हो गया प्लस जीरो हो गया, जीरो तो जीरो होता है, तो इस तरह इनकी साइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ आइए, मुझे लगा कि ये पूरी तरह से इधर नहीं आया, इसको हम थोड़ा इधर लाते हैं, ये वाला सेटअप इधर बोर्ड में इसी तरह से नहीं आया, हाँ क्या होगा माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स माइनस 750 इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस 55 एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो, चलते हैं। तो इसी तरह ये ऐसे साइन चेंज हो जाती है। अब है एक्स स्क्वायर, नाउ सब्ट्रैक्ट द मिडल टर्म 55x, हाँ इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, शाबाश क्या बनेगा सब्ट्रैक्ट करके, शाबाश कुछ सोचिए। चलिए हम लेते हैं माइनस 25x और माइनस 30 आएगा एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी 25 एंड 30 हो गई है 55, तो फिर है एक्स बाहर निकालो, क्या आएगा अंदर एक्स माइनस, यहाँ आएगा 25 तो एक्स बाहर आया है माइनस 30 बाहर निकालते हैं तो अंदर रहेगा एक्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 30 को मल्टीपल दे देते हैं 25 से, वो बनता है 750 25 इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस 25 को बाहर लाते हैं, अंदर रहेगा x माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो, एंड देन देयरफॉर द मल्टीप्लाई ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन इधर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इधर x माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो, एंड देन x इज इक्वल टू दिस साइड 25 एंड x इज इक्वल टू 30, देयरफॉर तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो उस दिन कितने वो टॉयज बने थे, तो हमने क्या रखा था, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर डे वाज एक्स, तो इस तरह देयरफॉर द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इधर इज 25 और 30, क्या या ये बना या ये बना, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अल्लाह हाफिज़।